बीजेपी विधायक अमर सिंह खटीक एक ऐसे मामले के निपटारे में खुद को लाचार बता रहे हैं जिसे वो नहीं सुलझा पा रहे हैं। आखिर वो कौन सी स्थिति है जिस वजह से वो बेबस महसूस कर रहे हैं अपने आप को, उन्हें अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, आखिर वो कौन सा कारण है? अगर वक्त रहते उसे सही तरीके से सुलझाया नहीं गया तो धरने पर भी बैठ जाएंगे। चलिए सियासत के इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए आपको रिपोर्ट के जरिए खबर दिखाते हैं। कासगंज से बीजेपी विधायक अमर सिंह खटीक का दर्द छलका है। नाराजगी अपनी पुलिस से है, गुस्सा अपने प्रशासन से है, खुद के लिए कचोट है, कुछ कर नहीं पाने की छटपटाहट है, तड़प है। आखिर ऐसा क्यों है? उनके बयान को सुना, अब उनकी बात को जान लेते हैं। जी ने इंस्पेक्टर साहब से बुला के हमारे सामने बातचीत की है, तो इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अधिकतम समय 21 दिन का मैं मांग रहा हूँ, 21 दिन के अंदर मैं लड़की को बरामद करा दूंगा, ये मेरा वादा है। और विधायक जी ने भी हमको आश्वासन दिया है कि ठीक है, जब ये कह रहे हैं तो 21 दिन देख लेते हैं, और नहीं तो 21 दिन बाद हम तो तुम्हारे साथ पहले से भी हैं, और नहीं तो 21 दिन बाद हम लोग कायमगंज कोतवाली में धरना पे बैठेंगे, और सबसे आगे हम बैठेंगे। विधायक जी ने कहा हमारी विधायकी रहे या ना रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी बेटी खुल गई, 4 महीना हो गए, आजकल इंस्पेक्टर कब तक, और सब खेल इंस्पेक्टर को, और इसलिए आए हमें बेटी हमारी मिले ना, भाई ढूंढ पाए तो चूड़ियाँ पहन लें, तो हम पब्लिक ढूंढी फिर इस कारण आए, हमारा बच्चा मिले और कुतवाल को चूड़ियाँ पहनाई जाए, हटाया जाए कुतवाल। अब इनकी बात को जान लेते हैं। दरअसल फर्रुखाबाद के कासगंज कोतवाली इलाके के अताईपुर गांव की एक छात्रा फोन कॉल आने पर घर से जन सेवा केंद्र जाने के लिए निकली, पर ना तो केंद्र पर पहुंची और ना घर वापस आई। पीड़ित परिवार के लोगों ने तहसील पर प्रदर्शन किया, तब काफी जद्दोजहद पर पुलिस ने छात्रा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की। फोन कॉल का डिटेल खंगाला गया तो वो अताईपुर के साजिद मंसूरी का निकला। इस घटना को बीते 4 महीने हो गए, लेकिन पुलिस के पास अब तक कोई सुराग नहीं है। आखिरकार परेशान परिवार की महिलाएं बीजेपी विधायक अमर सिंह खटीक के आवास पर पुलिस के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची, लेकिन माननीय के पास अपनी लाचारी जाहिर करने के अलावा कुछ न था। अपनी पुलिस और अपने प्रशासन को उन्होंने पानी पी पी कर कोसा। इस संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों से बात की, लोकल पुलिस से बात की, तो सब ये कहते रहे सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा। तो आज जब ये लोग हैं मेरे आवास का घेराव किया और महिलाएं जो है चूड़ी लेके आई मेरे लिए, तो मुझे ही बुरा लगा भाई। वास्तव में जो मेरे लिए जो है शर्म की बात है, एक विधायक होते हुए भी मैं अपने क्षेत्र की जो है हिफाजत नहीं कर सकता हूँ, उनकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, और छोटे मामले को सुलझा नहीं सकता हूँ, तो मेरे लिए शर्म की बात है। मैं इनको दोष नहीं देता हूँ, ना महिलाओं को दोष देता हूँ, चूड़ी लेके आई मेरे लिए, तो कोई बुराई नहीं। आज मैंने DM से बात की, कप्तान से बात की, कप्तान ये कहा कि विधायक जी ये मामला मैंने अपने हाथ में ले लिया है, मैं बहुत जल्द इसका खुलासा करूंगा, कायमगंज की पुलिस से कोई मतलब नहीं। बीजेपी विधायक के लिए ये लव जिहाद का मामला है, लेकिन विरोधी पार्टी के नेता इसे किस तरीके से लेते हैं वो भी आप जान लीजिए। देखिए, तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर खुला खुला सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार हमारे यहाँ की बहू बेटियाँ असुरक्षित हैं। एक बच्ची, किसी बाप की बेटी 4 महीने से गायब है और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये मिशन शक्ति जैसी योजना चला करके प्रदेश की जनता को केवल छलावा दिया जा रहा है, जबकि हमारी बहन बेटियाँ पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस करती हैं इस समाज में। उत्तर प्रदेश में जब विधायक ही लगातार धरने पर बैठने लगते हैं, सीटिंग विधायक जब धरने पर बैठने लगे भारतीय जनता पार्टी के, तो सोचो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी से ध्वस्त हो चुकी है, तो आम जनता की कौन सुनेगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पे और समाज में अपराध बढ़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार का सिस्टम पूरी तरह से करप्शन में लबालब डूबा पड़ा है। देखिए, सरकार ने इस तरह की कई घटनाओं का संज्ञान लिया है। ये कानून योगी आदित्यनाथ इसलिए लेके आए हैं कि जिन बालिकाओं को बरगला के, फुसला के, कोई सलमान सुनील बनकर के शादी कर लेता है, बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता है, उसके लिए कोई कानून नहीं था। वो लड़की अपने परिवार को छोड़ कर चली जाती है, उसके ऊपर तमाम तरह के दबाव डाले जाते हैं। मेरठ में भी आपने देखा होगा कैसे धर्मांतरण न करने पर एक युवक ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी।
इस तरह के घटनाओं से लेते हुए ये कानून बनाया गया है। मुझे लगता है कि पुलिस सख्त कार्रवाई इसमें करेगी। बहरहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने का दावा किया है। छात्रा को 21 दिन के अंदर सबके सामने लाने की बात कही है। 21 दिन की आखिरी समय सीमा तय की गई है। अगर ऐसा पुलिस नहीं कर पाई तो वो खुद लोगों के साथ धरने पर बैठेंगे। फर्रुखाबाद से अनिल वर्मा, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।